ये कैसा रोल है इसका? हाँ, काफी बोल्ड कैरेक्टर है। ये लोग मुझे पागल समझते हैं क्या? क्योंकि कफारा में तो ये बहुत डरी हुई सहमी हुई सी रहती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं आफत फुल ओएसटी। और इसका जब हमने वो देखा, थंबनेल देखा था, इसके अंदर हमने लाइबा खान को देखा था। मतलब जब हमने देखा, लाइबा खान ने अभी अभी अपना जो कफारा है वो फिनिश किया है, कफारा आई थिंक फिनिश हो चुका है, और उस साथ ही उनका दूसरा स्टार्ट हो चुका है। कफारा में क्या उनकी एक्टिंग थी, क्या उनका रोल था, मजा आ गया था देख के। इतने हमने उसके बेस्ट सीन्स देखे हैं और सब, मतलब उसका साउंड ट्रैक, ओरिजिनल साउंड ट्रैक, ओएसटी सब कुछ देख डाला है। और आज हम उनको आफत में देखने वाले हैं। शायद सिर्फ अगर मैंने आफत एपिसोड देखने शुरू करे, वो हम सिर्फ लाइबा खान के लिए देखेंगे। देखते हैं क्या कुछ खास है आफत के अंदर, फिर इसके बारे में बात करेंगे। लाइबा खान वैसे भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुकी हैं। उनकी जो एक्टिंग है वो इतनी बाकमाल होती है, और खूबसूरत तो वो है ही, तो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले एपिसोड्स के अंदर वो अपने रोल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगी। तो चलिए पहले इस ओएसटी को सुनते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। मैं भी चाहूं ये ना होगा कभी, बस यहां तो वो चलेगी जो है मर्जी मेरी। क्या इरादा है अब मेरा ये पता भी चल जाएगा, वो तमाशा बन जाएगा मुझसे जो टकराएगा। मैं आफत हूँ, ओके, मैं आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ, आफत हूँ। ओह माय गॉड, ये कैसा रोल है इसका? हाँ, काफी बोल्ड कैरेक्टर है। ये लोग मुझे पागल समझते हैं क्या? क्योंकि कफारा में तो ये बहुत डरी हुई सहमी हुई सी रहती है। जो है दिल में जैसा वही करूं मैं तो चाहूं पल में सबको सीधा कर दूं सबसे। कुछ तो इनको प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा दिखाया है। वो हमेशा पछताएगा, न कहीं का रह पाएगा मुझसे जो टकराएगा। मैंने जिनको चाहा, मैंने टू फेस रोल है आई थिंक। हाँ, ये एक दूसरे को प्यार करते हैं, बट वो शायद बीच में कुछ करेगी। हाँ, सारे हैं वो चेहरे धोखा देने वाले, और इनके साथ आई थिंक ये जो मोहतरमा है ये साथ दे रही है। एक इशारा बस है काफी, जो निशाने पर आएगा वो फसाना बन जाएगा मुझसे जो टकराएगा। मैं आफत हूँ, मैं आफत हूँ। नाइस, क्या कमाल का ओएसटी था। मतलब लाइबा खान को ऐसे रोल में देखना मेरे लिए फर्स्ट टाइम, मतलब बहुत ज्यादा शॉकिंग लगा मुझे। मुझे लगा यहाँ पे भी वो बहुत प्यारी सी सहमी सी कोई ऐसी सी लड़की होंगी, पर कितना बोल्ड कैरेक्टर, और मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो चाल चल रही है और कुछ ऐसा कुछ कुछ तो चल रहा था। और बहुत ऐसे उन्होंने एक्सप्रेशन इसके अंदर दिए हैं, मुझे देख के बहुत पसंद आया। मतलब अगर आपको इसके एपिसोड पे हमारा रिएक्शन देखना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि मुझे तो ये ओएसटी मजेदार लगा। अचानक से आप सोचिए, सलार और सितारा की लव स्टोरी बाद हम तुरंत जो है वो इन्हें इस अवतार में देखने वाले हैं, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान के जितने भी ड्रामास आप उठा के देख लीजिए, हर एक ड्रामा एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कोई पूरी तरीके से लव स्टोरी है, कोई बहुत सस्पेंस पॉलिटिकल फैमिली से बैकग्राउंड से बिलोंग करती है स्टोरी, और ये स्टोरी मुझे बहुत डिफरेंट लग रही है। क्योंकि इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि जो लाइबा खान है उनका जो मेन कैरेक्टर है वो किस तरीके का है, वो ग्रे शेड है या पूरी तरीके से वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है।
तो ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी तक हमने सलार और सितारा की लव स्टोरी में उन्हें बहुत प्यार दिया है, तो आई एम श्योर इस कैरेक्टर में भी वो कुछ नया लेकर आ रही होंगी। तो उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी इसके भी एपिसोड लेकर आएंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।